दोस्तों, तेलुगु टाइटंस के फैंस के लिए पिछले कुछ साल टफ रहे हैं। पीकेएल के लास्ट 3 सीजन्स में टाइटंस ने आखिरी पोजीशन फिनिश की है और प्लेऑफ्स तक सिर्फ 2 ही दफ़ा पहुंचे हैं। लेकिन पीकेएल सीजन 11 में टाइटंस अपनी किस्मत बदलने का इरादा लेकर आई है। सबसे बड़ा नाम तो है पवन सहरावत। ये पीकेएल के थर्ड हाईएस्ट रेट पॉइंट स्कोरर है और पवन का टारगेट होगा इस बार टाइटंस को पीकेएल का पहला खिताब जिताना। क्रिशन ढुल को 70 लाख में स्क्वाड में शामिल किया गया है और टाइटंस का डिफेंसिव यूनिट इस बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। क्रिशन पिछले सीजन के सेकंड हाईएस्ट टैकल पॉइंट स्कोरर थे। स्क्वाड में और भी बड़े नाम हैं जैसे विजय मलिक और ऑलराउंडर्स अमित कुमार, संजीव एस, शंकर गदई। टाइटंस का फोकस इस बार बैलेंस ट्रेडर्स और डिफेंडर्स पे है और ये सीज़न उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कृष्ण कुमार हुड्डा को हेड कोच बनाया गया है जो दबंग दिल्ली के साथ पीकेएल सीजन 8 का टाइटल जीत चुके हैं। द्रोणाचार्य अवार्डी हुड्डा जी की लीडरशिप टाइटंस के लिए नए रास्ते खोल सकती है, लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं। टाइटंस को अब भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीडर की ज़रूरत है जो पवन सहरावत का सही साथी बन सके। प्रफुल्ल जावरे, ओमकार पाटिल और मंजीत, इनको अपने गेम में इम्प्रूवमेंट दिखाना होगा। डिफेंस में भी कुछ डेप्थ इश्यूज है। अगर कृष्ण डुल, मिलत जबारी और अजीत पवार अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए तो उनका बैकअप स्क्वाड अभी थोड़ा इनएक्सपीरियंस लगता है। तो क्या तेलुगु टाइटंस पीकेएल सीजन 11 में अपने पिछले परफॉर्मेंसेस को भूलकर नई शुरुआत कर पाएंगे? ये सीज़न तेलुगु टाइटंस के लिए एक नई कहानी लिखने का सुनहरा अवसर है।